एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजाने की, स्वागत करता हूँ देवी उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और टाइम सही ना, वेदर कुछ ठीक नहीं है, पूरा जो छोपता वैली है वो पूरा पैक हो चुका है और बारिश की ना हल्की हल्की बूंद मतलब अभी से गिरना स्टार्ट हो गया है। अभी तो लगभग मॉर्निंग के 7 बज रहा है और शाम तक पता नहीं कितनी बारिश हो जाएगी। कुछ टाइम से मौसम के हालचाल कुछ ऐसे ही हैं कि कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोटी रख दी गोलू भैया के पास, रोटी रख दी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं भी निकल चुका हूँ दुकान के लिए। और वैसे ही ना बारिश की छोटी छोटी बूंदें ना धीरे धीरे आने शुरू हो गई हैं और अभी मुझे इनको ना स्कूल तक छोड़ना है। तो ये साइड से पूरा मौसम ना ऐसे ही हो गया और इस साइड की बारिश ना बहुत तेज़ मतलब इधर आ जाती है। वैसे चोपता वैली की बारिश उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी इस साइड की बारिश ना यहाँ पर पहुँच जाती है। तो नीचे देख, नीचे रास्ते पे देख, वहां नीचे कहाँ देख रहा है, रास्ते पे देख। तो भाई इनके साथ ना डेली का रूटीन यही है कि इनको घर से स्कूल तक छोड़ना होता है। और बाकी बाइक की हालत देखो भाई, चार चार छोटे बच्चे बाइक पे बैठे हुए हैं और छोटू को ना डेली आगे आगे ही बैठाया जाता है। अबे छोटू हाई करो, हाय। वैसे ना मौसम भी ऐसे ही है और लगातार बारिश चली रही है। और ये देखो भाई चोपता वैली पूरा ना क्लाउड से पैक है, पूरी मतलब वैली ना पूरी पैक है। बाकी मैं जा रहा हूँ अभी ढाबे तक, तो वहाँ पर जा आजकल ना गाड़ी चलाने में भी डर ही लगता है क्योंकि जो बाहर के जितने भी लोग आते हैं ना वो गाड़ी ऐसे चलाते हैं ना कसम से कि उनसे ना बच के चलना पड़ता है क्योंकि वो लोग ना ना पेंटिंग से बाहर गाड़ी को रखते हैं और फिर इतना रफ चलता है कि उनको आइडिया नहीं होता है कि पहाड़ों में चलना कैसे होता है। बाकी ये कुछ सीन है। नीचे मत उतर, मैं यहीं छोड़ दूंगा, फिर जाने नहीं है, मैं इधर ही फेंक दूंगा तुझे, ले तू इसको पकड़। तो यार फाइनली सिवान सरोवर की छुट्टी भी हो गई और जस्ट मैं इससे पहले ना ऊखी मठ गया था और वहाँ से निकलते निकलते ना इतना टाइम हो गया कि मेरे पास ना 5-10 मिनट ही बचे थे कि मस्तूरा आने के लिए। बाकी 2-3 मिनट पहले मैं मस्तूरा पहुँच चुका था। बाकी आज मौसम के मिजाज कुछ ऐसे हैं कि हल्की धूप है, ज़्यादा तो है नहीं, पर सुबह के टाइम ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। चलने के लिए बोलो तो
चल 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 आ जा पीछे आ जा तू तू पीछे आ जा तू पीछे आ इसको आगे जाने दे मार मार ले मार 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 मत कर मत कर मार रहा है दीदी को तो यार बाकी हम लोग भी घर पे पहुंच ही गए पॉलिश ओ पॉलिश तो अभी शाम के लगभग 3:30 हो चुका है और मेरी भी दुकान जाने की तैयारी ना हो चुकी है चलो भाई फिलहाल चाय वगैरह पीता है फिर मैं भी दुकान पे निकलता हूँ भाई आजकल ना कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मौसम कब जाके चेंज हो जा रहा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ना इस साइड ना पूरा क्लाउड ऐसा बिल्कुल काला काला हो रखा था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी इस साइड ठीक था पर ये साइड और ये पूरा साइड ना ऐसे लग रहा था कि थोड़ी देर में ना बारिश हो ही जाएगी और अभी देखिए पूरा क्लीन हो गया अभी शाम के लगभग 5:30 हो चुका है टाइम और धीरे धीरे ना अंधेरा भी होने ही वाला है और जस्ट थोड़ी देर में ना मैं भी घर के लिए निकल जाऊंगा तो भाई फाइनली मैं भी घर पे पहुंच ही गया और जस्ट मैं ना इसे पहले घर पे आया और मैं अपना पावर बैंक दुकान पे छोड़ दिया क्योंकि मेरा जो चार्जर है वो भी दुकान ही पे है और पावर बैंक उधर ही छोड़ दिया फिर मुझे ब्लॉग एडिट वगैरह करना था तो इस वजह से मैं ना दोबारा फिर दुकान पे गया जस्ट अभी चाय वगैरह पीता है फिर रूम पे चलते हैं भाई यार बाकी मैं भी अपने रूम पे पहुंच चुका हूं बाकी मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना मिलते हैं जल्दी से किसी नए दिन के साथ नए सुबह के साथ फिलहाल के लिए बाय टेक केयर हैव अ स्वीट एंड गुड नाइट बाय बाय